दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और आप के बहिष्कार के बाद इस चुनाव में बीजेपी को निर्विरोध जीत मिली है, लेकिन अब बीजेपी की जीत को लेकर विवाद छिड़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बीजेपी घिर गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जो कल चुनाव कराया है वो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश भारत संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानून से चलता है, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिटीशन फाइल होगी। आतिशी ने दिल्ली नगर निगम के एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए संसद से एक कानून पारित किया गया है, जिसके तहत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है। अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर के पास है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के पास शक्तियां ना होते हुए उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर आदेश मानते हैं, निगम की बैठक बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी को अध्यक्ष बना देते हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के करवाए इस चुनाव में उपराज्यपाल ने और उनके अफसरों ने संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह को 115 वोट मिले। इस जीत के साथ दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में बीजेपी के 10 सदस्य हो गए हैं, जबकि आपके केवल 8 सदस्य हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।